तो आज हम देखेंगे नो वायर स्ट्रीमिंग सेटअप, यानी ऐसा सेटअप जिसके अंदर बिना किसी वायर का यूज़ किए आपकी पबजी मोबाइल गेम प्ले को आपके पीसी पर स्क्रीनकास्ट करेंगे और फिर वहाँ से उसे लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। जो पुराने मेथड आपने देखे हैं उसमें काफ़ी वायर्स यूज़ करनी पड़ती है, जिससे मोबाइल पर CPU पर भी लोड पड़ता है, आपका गेम भी लैग होता है और मोबाइल को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है इतनी सारी वायर्स को कनेक्ट करने के बाद। पर आज हम देखें नो वायर स्ट्रीमिंग सेटअप, जिसमें आप अपनी गेम प्ले को स्ट्रीम भी कर पाएंगे अपनी वॉइस के साथ, टीममेट्स की वॉइस के साथ और गेम के इंटरनल ऑडियो में भी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपनी पबजी अपने मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के ऊपर, और वो कैसे करते हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, 1 मिनट की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रीनकास्ट कर सकते हैं आपके PC या लैपटॉप के ऊपर। वो पार्ट मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ, तो आप पहले वो पार्ट जरूर देखें जहाँ आपको सिखाया जाएगा कि आप स्क्रीनकास्ट कैसे कर सकते हैं अपने गेम प्ले को अपने PC या लैपटॉप पर। तो उससे पहले अपने मोबाइल से अपनी गेम को कास्ट करना है PC के ऊपर, और उसके बाद आपने जाना है स्ट्रीमलैब OBS सेटिंग, ऐसे लॉगिन करना है, उससे अपने सेटिंग के ऊपर आउटपुट में अपने सिंपल करना है, बिटरेट रखना है अपने 5000 to 7000 के बीच में, ऑडियो में आपके 2 चैनल रखने हैं, एक डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप और एक आपका माइक, उसका वीडियो में अपने यहाँ रेजोल्यूशन लिख सकते हैं 1280x720 और आउटपुट में अपने 1280x720 रखना है, कॉमन FPS वैल्यू रखनी है और यहाँ पर FPS 30 रखना है, अगर आपका मोबाइल 60 FPS दे रहा है आउटपुट तो 60 FPS रखना है, उसका अपने डन कर देना है। उसके बाद अपने यहाँ पर सोर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है विंडो कैप्चर और इसे हम यहाँ रखेंगे और ऐड सोर्स पे क्लिक कर देना है। सर यहाँ पर विंडो से ऑप्शन से आपने जहाँ पर आपकी PUBG गेम प्ले चल रही है यानी कनेक्ट ऐप, उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसे डन कर देना है। उसका यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं आप इसे ताकि आपकी पूरी पूरी स्क्रीन पर दिखाई दे गेम। यहाँ पर आपको 2 चैनल लिखेंगे, एक आपका माइक होगा यानी जो आप माइक आपके लैपटॉप से कनेक्ट होगा जिसे आप अपने ऑडियंस से बात कर पाएंगे, और एक है डेस्कटॉप ऑडियो जो आपकी गेम की इनबिल्ट ऑडियो को लाइव स्ट्रीम पर ऐड करेगा, लेकिन इसके लिए अपने मोबाइल में जो गेम चल रही है उसका जो माइक ऑफ रखना है तभी आपको ऑडियो यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी, और फिर सिंपली आप इसे गो लाइव पर क्लिक कर सकते हैं। और जो मेन डिसएडवांटेज है इस सेटअप का वो ये है कि आप अपने टीममेट से बात नहीं कर सकते और ना ही आपके टीममेट्स आपकी वॉइस सुन पाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा माइक या एक्स्ट्रा वायर नहीं लगाया है आपके टीममेट्स या आपके टीममेट से बात करने के लिए। अगर आप अपने टीममेट्स वगैरह से बात करें तो आपको वही रैंडम सेटअप करना पड़ेगा जिसमें आपको बहुत सारी वायर्स यूज़ करनी पड़ेंगी, अब वो आपके गेम प्ले को लैग भी करेगा और आप अच्छे से स्ट्रीम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप और आप उस पर अच्छे से खेल भी नहीं पाएंगे। तो अगर आप एक वाकई में अच्छा स्ट्रीमर बनना चाहते हैं जहाँ पर अपना गेम प्ले ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, बकचौदी कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप ये वायरलेस सेटअप जरूर तैयार कीजिएगा।